हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन एजुकेशन। मेरा नाम गुलशन है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टर्स। सो ये इस ट्यूटोरियल का चैप्टर 10th का पार्ट 1 है और मेरी जो कोशिश रहेगी इसको इसी पार्ट में ख़त्म करने की रहेगी। अगर ये वीडियो लेंथी होती है तो मैं इसका एक अलग पार्ट लेकर के आऊँगा, नहीं तो ये वीडियो मैं इसी पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सो इससे पहले कि मैं 9 चैप्टर्स उनको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ बिफोर अंडरस्टैंडिंग सम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स मेंशन बिलो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स किसको कहा जाता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले सेविंग रेफर टू एक्सेस इनकम अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड आफ्टर मीटिंग करंट एक्सपेंसेस। आपके घरों में आप खुद भी सेविंग करते होंगे तो बेसिकली आप अपने सभी एक्सपेंसेस जो वो पूरे करने के बाद जो भी खर्चे हैं उनको निकालने के बाद आपके पास जो एक्सेस इनकम बच जाती है वो आपकी सेविंग कहलाती है। ठीक है। टाइपिकली फंड्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द नियर टर्म एक्सपेंसेज और गोल्स और फॉर मीटिंग इमरजेंसीज आर हेल्ड इन दिस फॉर्म। आपके नियर टर्म में अगर कोई एक्सपेंसेस आपको लग रहा है, फिर कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं परिवार में, उनसे निपटने के लिए आप सेविंग अपने पास रखते हो, कुछ फंड की सेविंग रखते हो, उसको हम कहते हैं सेविंग्स। ठीक है। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू पुट द सेविंग टू वर्क बाय इन्वेस्टिंग इट। ओके। तो अगर आप अपने पास कुछ सेव कर रहे हो तो उसको आप अपने पास अगर हार्ड कैश के फॉर्म में रखते हो तो वो बस जस्ट एक सेविंग आपकी अगर, लेकिन उसी को ही आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हो जहाँ से वो आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है और आपको वो रिटर्न निकाल करके देने लग जाती है फिर। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इन्फ्लेशन रिस्क को। इन्फ्लेशन रिस्क इज ऑल्सो नोन एज परचेजिंग पावर रिस्क। देखो आज की डेट में अगर आप कुछ चीज़ कुछ बाय कर रहे हो सकता है आने वाले टाइम में आप उस रेट में उन चीज़ों को ना बाय कर पाओ। रीजन परचेजिंग पावर है जो हमारी, उस पर इफेक्ट आ जाता है। हमारी जो रुपये की कॉस्ट है, करेंसी की जो कॉस्ट है, वो डिके होती है टाइम टू टाइम। परचेजिंग पावर है जो वो कम होती चली जाती है। सो दैट इसको हम इन्फ्लेशन रिस्क भी कह देते हैं। ठीक है। इट इज़ द रिस्क दैट अराइजेज फ्रॉम द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज कैश फ्लो ड्यू द फॉलिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन रिस्क कब बनता है, जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी है जो वो कम हो जाती है। ठीक है। आगे हम देखेंगे इन्फ्लेशन रिस्क हाईएस्ट इन फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। देखिए जब महंगाई बढ़ती है तो ये नहीं पता होता कि महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, लेकिन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट जिनमें हमारे को फिक्स्ड इनकम मिल रही है, लाइक 6% की हमारी कोई एफडी है और हमारे को पता लगता है इन्फ्लेशन रिस्क है जो वो 6% ही हो जाता है, तो एक्चुअली हम उस पर कुछ कमा नहीं रहे हैं। वो जस्ट हमारी इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहा है। जो भी रिटर्न हमारे को आ रही है वो उसकी इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रही है, हमारे को एक्चुअल में कुछ नहीं वहाँ से कमाई हो रही है। सो इन्फ्लेशन रिस्क है वो हायर किस साइड पर रहेगा, जो फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उस साइड पर। अब हम देखेंगे आगे फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स के बारे में। फिजिकल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड हैव वैल्यू एंड कैन बी टच्ड एंड फील्ड एंड यूज्ड। लैंड को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, बिल्डिंग्स को छुआ जा सकता है, गोल्ड को छुआ जा सकता है। ठीक है ना। फाइनेंशियल एसेट्स हैव वैल्यू बट कैन नॉट बी टच्ड। फाइनेंशियल एसेट्स की उनकी वैल्यू तो दिख रही है आपको, बट आप उनको छू नहीं सकते, उनको फील नहीं कर सकते, उनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो जैसे डिबेंचर्स हैं, एफडीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, ये सभी फाइनेंशियल एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट इज ए डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ द एसेट, राइट। आप कभी भी फिजिकल एसेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी डायरेक्ट होल्डिंग हो जाती है। फाइनेंशियल एसेट्स प्रोवाइड इनडायरेक्ट होल्डिंग ऑफ द राइट्स टू द अर्निंग ऑफ स्पेसिफाइड एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या होता है कि आपको राइट्स मिल जाता है अर्निंग का स्पेसिफाइड एसेट्स पे। जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंपनी की जो एसेट्स हैं उनसे जो अर्निंग कंपनी को हो रही है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन्स आर द एसेट एज लाइक अनदर एसेट्स। ठीक है। तो वो जहाँ से उससे जो रिटर्न आ रही है, जो इनकम आ रही है, वो उस पर आपका राइट मिल जाता है फाइनेंशियल एसेट्स के केस में। द डिफरेंस इन कम्फर्ट इज परहैप्स ए रीजन वाई मोर देन हाफ ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडियन इज लॉक्ड इन फिजिकल एसेट्स। अगर आपके पास आपकी फिजिकल एसेट्स है तो आप कंफर्टेबल जोन में रहते हो कि ठीक है, हमें मालूम है कि हमारी एसेट्स हमारे पास है, तो कोई किसी भी तरीके का पैनिक नहीं होता है माइंड के अंदर।
तो एक बेसिक डिफरेंस है कि इंडियंस हैं जो उनकी जो फिजिकल एसेट्स है उसी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहती है उनकी, उनका इंटरेस्ट भी इसी में ज़्यादा रहता है। काफ़ी सारी वेल्थ है जो हमारी वो फिजिकल एसेट्स में लॉक्ड पड़ी रहती है। इट इज़ ईजियर टू लिक्विडेट फाइनेंशियल एसेट एज़ कम्पेयर टू मोस्ट फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स को आप लिक्विडेट करते टाइम आपको कई बार सोचना पड़ेगा, मतलब उनकी लिक्विडिटी हो या ना हो उसका भी बड़ा क्वेश्चन उठता है। जैसे फिजिकल एसेट्स में आप लैंड को ही लगा लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि लैंड का बायर आप आज आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने चले हो आपको आज के आज ही बायर मिल जाएगा। और वो भी बार्गेनिंग का भी उसमें इशू रहता है कि हो सकता है कि हमारे जो रेट्स हैं जो एक्चुअल रेट्स हैं वो उस पर एग्री ना करें, ठीक है ना। बट फाइनेंशियल एसेट्स के केस में ऐसा नहीं है, इजिली लिक्विडेट हो सकती हैं, काफ़ी लिक्विडिटी रहती है इनके अंदर। आगे हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एसेट्स इन्वॉल्व्स टाइम्स एफर्ट्स एंड कॉस्ट, राइट। इंश्योरेंस, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टैक्सेस ऑल ऐड टू द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एसेट्स। इसमें देखो टाइम भी चाहिए, एफर्ट्स भी चाहिए, कॉस्ट भी चाहिए। अब इंश्योरेंस भी होता है, जैसे आपके पास अगर आपकी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा आपको। एएमसीज जाती हैं इसमें, टैक्सेस या प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, तो इनको रखने पे भी आपको खर्चे बियर करने पड़ते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स द रिकरिंग कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इट्स आर मिनिमल सच एज द एनुअल डीमेट अकाउंट फीस। कोई 400 या 500 रुपये की डीमेट अकाउंट फीस होती है, आपका जो पोर्टफोलियो चाहे वो करोड़ों में ही क्यों ना हो लेकिन काफ़ी नॉमिनल फीस होती है बस। एक ज़्यादा कोई इसके खर्चे नहीं होते मेंटेनेंस के लिए अपनी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके लिए। इन्वेस्टर्स मनी इन लैंड आर्ट रेयर कॉइन्स गोल्ड्स डज नॉट बेनिफिट द इकॉनमी। इकॉनमी को इससे डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है। आपके घर में प्रीशियस कॉइन्स हैं, लैंड आपके पास है, बिल्डिंग्स है, कोई अच्छी आर्ट है आपके पास, तो वो आपके लिए है, इससे इकॉनमी को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ऑन द अदर साइड मनी इन्वेस्टेड इन द फाइनेंशियल एसेट्स एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स बैंक डिपॉजिट्स कैन बी प्रोडक्टिव फॉर द इकॉनमी। आप अपने बैंक्स में सेविंग्स करवाते हो, सिमिलरली बैंक फिर उस सेविंग को आगे लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो इससे क्या होता है इकॉनमी जो हमारी उसको काफ़ी बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डायरेक्टली कंपनी से उसका बेनिफिट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इकॉनमी को हमारी को आगे बढ़ने में उसको ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। फिजिकल के केस में ऐसा नहीं है बट जब आप फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इकॉनमी को काफ़ी सपोर्ट मिलता है उससे। आगे देखेंगे हम गोल्ड। गोल्ड को आप फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हो, फाइनेंशियल फॉर्म में भी रख सकते हो। फाइनेंशियल फॉर्म में रखोगे तो ईटीएफ आ जाते हैं गोल्ड के। गोल्ड सफर्स वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क ऑफ लॉस थ्रू थेफ्ट स्टोरेज इन बैंक लॉकर्स टू कॉस्ट मनी। जो गोल्ड है बेसिकली उस पर सबसे बड़ा जो रिस्क है ना उसकी चोरी का रहता है, ठीक है। कोई चोरी ना कर ले उसको, चुरा ना ले जाए हमारे घर से या फिर हमारे पास जहाँ पे अगर हम इनको सेफ जगह पे रखते हैं वहाँ से चोरी ना हो जाए इनकी। बैंक लॉकर्स में भी अगर आप इनको रखते हो तो वो भी उनकी कॉस्ट होती है बैंक लॉकर्स की, ईयरली बेसिस पे वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, तो इनकी मेंटेनेंस के तो खर्चा है ही। द एक्सपोजर्स टू गोल्ड हैव एज ए फाइनेंशियल एसेट कैन बी टेकन इन डिफरेंट फॉर्म्स। फाइनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में भी आप गोल्ड को रख सकते हो। अभी आप फिजिकल फॉर्म में रखते हो, आप इसको फाइनेंशियल फॉर्म में भी रख सकते हो। वो कैसे रखेंगे वो देख लेते हैं। गोल्ड ETF लेकर के रख सकते हो आप, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट के साथ फ्लक्चुएट करती है। गोल्ड सेक्टर फंड में लगा सकते हो आप अपना पैसा। गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन कॉमोडिटी एक्सचेंजेस लाइक द नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज MCX में ट्रेडिंग होती है इसकी, तो फ्यूचर्स भी कर सकते हो गोल्ड के लेकर के रख सकते हो। बट बेटर है कि आप गोल्ड ETF के अंदर फंड डालिए, वो कैश के फॉर्म में आपके पास उसकी होल्डिंग आ जाती है इजिली। आगे हम देखेंगे रियल एस्टेट फिजिकल और फाइनेंशियल, ये भी दो तरीके से रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिजिकल फॉर्म में तो जैसे आपने कोई बिल्डिंग बाय की है तो वो आपकी फिजिकल फॉर्म में आपके पास उसकी ऑनरशिप आ जाती है बिल्डिंग की, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं रियल एस्टेट के बारे में। द टिकट साइज मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज़ हाई, वेरी हाई, बिकॉज यू कैन नॉट बाय द यूनिट्स लाइक विद इन 50,000, 1 लाख। इतनी छोटी टिकट साइज में तो आप रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं पाओगे। इसके लिए हाई टिकट साइज चाहिए आपको, काफ़ी पैसा चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। द इन्वेस्टमेंट वुड रन इन टू लैक्स ऑफ रुपीज़ इवन टू बाई एग्रीकल्चर लैंड। अगर एग्रीकल्चर लैंड भी लेते हो तो भी आपको कम से कम लाखों में तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी इसकी। रियल इस्टेट इज़ एन इलिक्विड मार्केट बिल्कुल, क्योंकि इसके बायर और सेलर काफ़ी लिमिटेड होते हैं रियल इस्टेट में। हो सकता है कि लिक्विडिटी की वजह से जो रेट है वो भी अप्रिशिएट ना करे, और जब जरूरत हो उस वक्त शायद प्रॉपर्टी जो हमारी है वो
लिक्विडेट ना भी हो पाए, तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क रहता है इसमें। वंस परचेज्ड वैकेंट लैंड कैन बी इंक्रोच्ड अपॉन बाय अदर्स। देखो अगर आपने कोई ज़मीन लेकर के रख दी है तो हो सकता है कोई दूसरा उसको आकर के इंक्रोच्ड कर ले, उसके ऊपर आकर के अपना हक जमा ले, तो ऐसी भी काफ़ी सारी दिक्कत होती है रियल एस्टेट के केस में। वंस ए डील इज एग्जीक्यूटेड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट सच एज स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर ऑल्सो हाई। ओके, रियल एस्टेट को आप डील तो कर लेते हो लेकिन उसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है इसकी, रजिस्ट्री करवाने का जो खर्चा है, स्टैम्प ड्यूटीज होती हैं, स्टेट लेवल के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, उसकी वजह से भी उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है हमारी। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट रियल एस्टेट इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू द रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। अब रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं, उसके अंदर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है रियल एस्टेट में फाइनेंशियल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। द टिकट्स आर साइजेज आर फ्लेक्सिबल। म्यूचुअल फंड के केस में अगर आप जाते हो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए तो टिकट साइज हैं वो भी फ्लेक्सिबल मिल जाएंगे आपको, राइट। आगे हम देखेंगे इक्विटी फंड्स फॉर इक्विटी इन्वेस्टिंग। इक्विटी इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स रिसर्च एनालिसिस मॉनिटरिंग एंड रिबैलेंसिंग टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टर्स इक्विटी पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म्स द बेंचमार्क। तो इक्विटी में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगाना पड़ता है, उसमें भी रिसर्च की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, मॉनिटर भी करना पड़ता है, रिबैलेंसिंग भी करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो उसमें ताकि हमारा जो बेंचमार्क लाइक निफ्टी है उससे बेटर परफॉर्मेंस मिल पाए हमारे फंड्स की, ठीक है। दीज रिक्वायर्स द स्किल्स एंड टाइम दैट मोस्ट इन्वेस्टर्स मे नॉट हैव। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इसमें आपको काफ़ी स्किल्स चाहिए, काफ़ी एक्सपीरियंस भी चाहिए और काफ़ी टाइम टेकिंग भी है ये, ठीक है। एन इक्विटी फंड इज प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियो इन विच इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट इन ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो बेटर है कि अगर किसी को इक्विटी मार्केट में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसको ये नहीं पता कि किस तरीके से चूज़ करना है इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, किन किन सिक्योरिटीज़ को पिक करना, तो बेटर ये है कि उनको इक्विटी फंड्स की तरफ जाना चाहिए जो कि प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, उसमें इन्वेस्टर का जो पैसा है वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है और काफ़ी स्मॉल टिकट साइज से भी एंट्री ली जा सकती है इसमें। इवन द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द म्यूचुअल फंड्स आर लेस देन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। तो जब सभी इन्वेस्टर मिलकर के, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स मिलकर के एक फंड को जब चला रहे होते हैं तो उस फंड में जब पैसा लगता है तो जो कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस हैं, जो कॉस्ट हैं वो सभी के अंदर बराबर डिवाइड हो जाते हैं, तो उसका जो एक्सपेंस है वो पता भी नहीं लगता कि ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते उसमें। अगर डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीडीज वगैरह मिला करके, जो अकाउंट की एमसी है वो सब मिला करके उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हायर साइड चली जाती है। आगे हम देखेंगे ईएलएसएस फॉर टैक्स सेविंग। इसको हम बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग के पर्पज से इसको यूज किया जाता है। ईएलएसएस आर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दैट आर ऑल्सो परमिटेड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज जो कि सेक्शन 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाय म्यूचुअल फंड, बट इसका एक लॉक इन पीरियड रहता है, 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, उसको फॉलो करना पड़ता है। द लॉक इन पीरियड इन द ईएलएसएस इज द लोएस्ट एज 3 ईयर्स वाइल कंपेयर टू द 15 ईयर्स इन प्रोविडेंट फंड, 5 to 10 years in NSC and 5 years in a bank fixed deposit among others। तो इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट लॉक इन पीरियड्स हैं, आप 3 साल से पहले से अपना फंड जो है वो निकलवा नहीं सकते, मिनिमम 3 ईयर्स का लॉक इन रहेगा ईएलएसएस के केस में, तभी आप टैक्स सेविंग का जो बेनिफिट है वो उठा सकते हो। आगे हम देखेंगे MIS फॉर रेगुलर इनकम। MIS मतलब मंथली इनकम स्कीम। एन इन्वेस्टर लुकिंग फॉर रेगुलर इनकम सच एज रिटायरमेंट इन्वेस्ट इन द पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फॉर गारंटेड इनकम अमंग अदर्स। जैसे कि कोई रिटायर हो चुका है तो अभी पता है कि उसकी जो लाइफ में उसने अपनी जो अकोमुलेट की है मनी, जो अपने अपना फंड अकोमुलेट किया है, वो चाहता है कि उसको अब एक मंथली उसको इनकम आनी शुरू हो जाए, क्योंकि जब वो रिटायरमेंट की एज में इंसान चला जाता है तो उसके पास अभी इतना एफर्ट नहीं लगा पाता वो कि अभी फर्दर और अर्निंग कर पाए वो, क्योंकि अगर कोई किसी का प्रोफेशन जॉब टाइप का रहा हो तो रिटायर होने के बाद उसको इजली जॉब भी नहीं मिलती है। तो जो ये मंथली इनकम एक्सपेंसेस स्कीम, मंथली इनकम स्कीम है जो वो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं रिटायरमेंट प्लानिंग वालों के लिए। तो इसमें आप देख लीजिए पोस्ट ऑफिस की भी स्कीम है, सीनियर सिटीजन की भी स्कीम चलती हैं जो गारंटेड इनकम भी प्रोवाइड करती हैं। दीज स्कीम्स हैव एन अपर लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ना एक अपर लिमिट डिसाइड होती है कि इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते,
तो जो अमाउंट ऑफ इनकम है वो भी लिमिटेड हो जाती है उस केस में। द मंथली इनकम प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम्स दैट टेक सम एक्सपोजर टू इक्विटी टू प्रोवाइड ए रेगुलर इनकम। जबकि इन स्कीम्स में इन्वेस्ट ना किया जाए तो, बल्कि मंथली इनकम प्लान्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स के ही, उनमें अगर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए जो थोड़े डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम टाइप के होते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं इस केस में रेगुलर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनमें कोई कैपिंग भी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टर जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकता है इनमें। इससे उनकी इनकम पे भी कोई लिमिटेशन नहीं बनेगी, कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड दे आर ओपन एंडेड स्कीम्स, देर आर नो गारंटेड ऑन द इनकम, बट देर आर ए स्कीम दैट हैव ए हिस्ट्री ऑफ अनइंटरप्टेड डिविडेंड पेमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स। इसमें डिसीजन इस बिहाफ पे तो नहीं लिया जा सकता कि कोई गारंटेड इनकम होगी, बट इनमें जो स्कीम्स हैं उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके पता लगाया जा सकता है, जो कि अनइंटरप्टेड डिविडेंड हिस्ट्री रही हो जिनकी, उसको देख करके भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम MIS एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स आर टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर, बट पे आउट फ्रॉम म्यूचुअल फंड MIP कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज डिविडेंड और सिस्टमेटिक विड्रॉल्स डिपेंडिंग अपॉन विच इज़ मोर टैक्स एफिशियंट। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो फुली टैक्सेबल हैं, बट जो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मंथली इनकम प्लान में, उसको आप स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो अपने हिसाब से, उसको ऑप्ट कर सकते हो किस ऑप्शन में जाना है, डिविडेंड वाली ऑप्शन में जाना है या फिर SWP वाली ऑप्शन में जाना है, जो कि मोर टैक्स एफिशियंट रहे उस ऑप्शन को आप ऑप्ट कर सकते हो। आगे हम देखेंगे रिटायरमेंट प्लान्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। अकोमोडेटिंग द कॉर्पस फॉर रिटायरमेंट हैज़ बेसिकली बीन डन थ्रू प्रोडक्ट सच एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और अदर डेट ओरिएंटेड स्कीम्स। रिटायरमेंट से पहले पहले जो फंड अकोमोडेट किया जाता है वो प्रोविडेंट फंड के थ्रू भी हो सकता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसके लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, डेट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके वो फंड है जो कॉर्पस है वो इकट्ठा किया जाता है। सेबी हैज़ कैटेगराइज द रिटायरमेंट प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड अंडर अदर स्कीम्स दैट टेक सम एक्सपोजर टू इक्विटी टाइपिकली 25% टू 40%। जो सेबी ने कैटेगराइज किया रिटायरमेंट प्लान्स को, उसमें जो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट रहेगी उस फंड की वो 40% से ज़्यादा की नहीं होती, मिनिमम 25% और मैक्सिमम 40% तक की जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में रहेगी। द बेटर रिटर्न्स दैट दीज फंड्स प्रोवाइड कैन इन्हांस द रिटायरमेंट कॉर्पस, राइट। अगर बेटर रिटर्न्स है तो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा इसकी वजह से। आगे हम देखेंगे नेशनल पेंशन स्कीम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर भी है। पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द रेगुलेटर ऑफ द NPS। टू टाइप्स ऑफ पेंशन अकाउंट आर ऑफर्ड। तो ये देखिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हु रेगुलेट द पेंशन सिस्टम इन इंडिया, तो इसमें आपका आंसर होगा PFRDA, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, दो टाइप के पेंशन अकाउंट हैं जो ऑफर किए जाते हैं वो देख लेते हैं हम। टायर वन अकाउंट विच इज पेंशन अकाउंट विद लिमिटेड विड्रॉल फैसिलिटी, ओके, इसमें आपको विड्रॉल की फैसिलिटीज वो काफ़ी लिमिटेड रहती है। टायर टू सेविंग अकाउंट इज विड्रॉवेबल फ्रॉम मीट फाइनेंशियल कंटिंजेंसीज एंड एक्टिव। टायर वन अकाउंट इज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ए टायर टू अकाउंट। जिसका टायर वन अकाउंट है वही ही टायर टू अकाउंट है उसको मैं एंटर कर सकता है, उसको ऑप्ट कर सकता है। तो इसमें आपको विड्रॉ करने के लिए काफ़ी छूट होती है, कोई भी फाइनेंशियल कंटिजेंसीज आ जाती हैं उसके लिए आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी एक्टिव अकाउंट रहता है ये आपका टायर टू का। इन्वेस्टर्स कैन एलोकेट देयर इन्वेस्टमेंट बिटवीन फोर काइंड ऑफ एसेट क्लास। तो देखिए, इसमें आपको चार तरह के एसेट क्लास हैं, उनमें से ही चूज़ करना होगा जो इन्वेस्टर्स है उसको, अगर वो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर जाना चाहता है तो। एसेट क्लास ई, इसको देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्रीडोमिनेंटली इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जो एसेट क्लास ई है ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। एसेट क्लास सी है जो वो इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती इसमें, अदर डेट सिक्योरिटीज है उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है इस एसेट क्लास में। एसेट क्लास जी, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एसेट क्लास जी है वो टोटली गिल्ट फंड्स में इन्वेस्ट करती है, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ उनमें जो ये फंड है वो इन्वेस्ट किया जाता है। आगे हम देखेंगे एसेट क्लास ए, इन्वेस्टमेंट इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, राइट। जो एसेट क्लास ए है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, इनको हम स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स भी कह देते हैं। तो लाइक हेज फंड्स होते हैं, ये इन्वेस्ट
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये एक अलग अलग ही टाइप के फंड्स होते हैं। नॉर्मली ये ना तो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, ना ही इनको आप पीएमएस कह सकते हो, ये अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो इनमें ये पैसा लगाया जाता है, बेसिकली ग्रे मार्केट्स में भी डील करते हैं, राइट। देयर आर टू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन एमपीएस, ऑटो चॉइस एंड एक्टिव चॉइस, राइट। ये दो चॉइसेस हैं, इनके बिहाफ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसमें हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको इनमें से। सो क्वेश्चन वन, मोर देन 50% ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडियन इज हेल्ड इन फिजिकल एसेट्स, ट्रू ही होगा, बिल्कुल आंसर ट्रू है इसका, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं हमारे, वो अपने पास फिजिकल एसेट्स रखना कंफर्टेबल समझते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। गोल्ड फ्यूचर्स आर सुपीरियर टू ETF गोल्ड्स एज ए व्हीकल ऑफ लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि जो गोल्ड फ्यूचर्स हैं उनकी एक्सपायरी होती है, लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जैसे फ्यूचर्स होते हैं, उनकी एक एक्सपायरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है उनका प्रीडिफाइंड, तो उसमें उनकी एक्सपायरी के बाद आप उनको लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रख सकते। बेटर है कि अगर आपको गोल्ड ETF लेना है तो आप उसको फ्यूचर के रास्ते ना लीजिए, आप उसको कैश में बाइंग कीजिए, गोल्ड ETF में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो। द नेशनल पेंशन स्कीम इज रेगुलेटेड बाय सेबी, IRDAI, FPRDA, MFI, तो आंसर इज सी, PFRDA, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो ये इसका आंसर सी सही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इनको MCQ टाइप के क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसी के साथ ही जो चैप्टर 10 है हमारा, ये भी फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इनको आंसर करने की कोशिश करूँगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए चैनल को, जो